नहीं कर पाता, सब डर जाते थे क्योंकि जैसे ही हम जाते थे ऊपर सांप ऐसे पूरी दीवार के अंदर सांप होते थे, और सिर्फ इसको नीचे से निकलना है, रिटेक करना है। और ये अकेला उस तरफ है जो बिल्कुल खाई है, वो एरिया ऐसा था कि अकेला कोई खड़ा नहीं हो सकता। एंड ही इज देयर, द एंटायर क्रू इज आउटसाइड एक बड़ी सी दीवार के इस तरफ। और मैं सोचती रहती थी कि मैं ये अकेला है यहाँ पे, ये अकेला, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वो अकेला खड़ा है, जल्दी करो। और वो 1, 2, 3, 4 के बाद उसको उस दीवार के नीचे से आना है, और वो भी ये हाथ रख के आता था। मैं इसको बोली हाथ मत रख, उसमें सांप है। नहीं मैम, वो परफॉर्मेंस में आ रहा है, ये फील के बगैर नहीं कर सकता। बोले वो हाथ रख रहा है शर्जिल। मैं ऐसी अपने दिल को थाम के बैठी होती थी। अनिल जी बोलते थे फिक्र मत कर, और अनिल जी खुद सोच रहे उसको बोल हाथ मत रख, उसको बोल हाथ मत रख। ये बोलते ना वो परफॉर्मेंस में आ रहा है मैम, मैं कर रहा हूँ। और वो 3 रिटेक के बाद वो शॉट पूरा हुआ और जान में जाना ही। ऐसी कई चीजें हमने, यू नो, हर गाने में एक नई कहानी थी कहने के लिए। पूरे 50 डिग्री लखनऊ के हीट वेव में चलते रेश में फिल्म हुआ है। मैं तो मजाक में कहता था कि इसको नंगे पैर डांस कर रहे हैं। हाँ वही हुआ क्या? ये जो चलते चलते रेश में जो गाना है उसके ऑथेंटिकली, वो ऑथेंटिक क्यों दिख रहा है उसकी खास वजह भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप पीछे जो डांसर देख रहे होते हैं, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी सॉन्ग। वो सारे के सारे क्लासिकल डांसर, दे ऑल आर 8 साल 9 साल 10 साल के वो क्लासिकल डांसर हैं जो इनके साथ अदाएं जो डाल रहे हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज दे वर क्लासिकल डांसर, दैट सॉन्ग लुक सो ऑथेंटिक, यू नो। वो भी एक बहुत बड़ा रीजन कि लखनऊ के क्लासिकल डांसर्स को इस गाने में लिया गया। जो सोचा गया था वही आ गया सामने और लोगों को वही पसंद आया। ओके, आई थिंक एक दिन पहले उनको ऑडिशन दिया था हमने, दो दिन पहले वहाँ पर सारे ऑडिशन दिया था। वी ऑडिशन नियर अबाउट 500 डांसर्स एंड वी सिलेक्टेड सम 100 to 200। क्या कहना चाहोगे?